Welcome to SST College of Arts, Commerce. This is SST Edupedia, myself, Lindsay Johnson. Today we are here with a new poem. Let us learn Nose versus Eyes. So this poem is about nose versus eyes. तो ये सुनते ही आपको पता चला होगा कि nose और eyes के बीच में क्या है, एक झगड़ा चल रहा है, contest चालू arise हो चुका है, ठीक है? तो before we go into the poem, let us see what who is the poet, उनके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं. William Cowper was one of the most popular 18th century English poets and composers of hymns. ये जो पोएट है इनका नाम था विलियम कोपर और ये काफी पॉपुलर थे 18th सेंचुरी में. अपनी इंग्लिश पोएम्स लिखते थे और वो कंपोजर्स भी थे हिम्स के ऊपर. हमने लास्ट पोएम्स में भी डिस्कस किए थे, हिम्स का मतलब होता है जो गॉड के लिए एक वर्शिप सॉन्ग्स गाए जाते हैं. हिज पोएम्स डील विद नेचर एंड एवरीडे लाइफ. उनके पोएम जो होते हैं एकदम एवरीडे लाइफ के साथ कनेक्ट करने वाला, एकदम रिलेट होने वाला पोएम्स होता है, नेचर के रिलेटेड पोएम्स होते हैं. He is aptly described by Samuel T. Coleridge as the best modern poet of his times. उनके time के बहुत ही best modern poet है, ऐसा बताया गया है किसने, Samuel T. Coleridge ने उनका तारीफ किया गया है. Though he studied jurisprudence, he later admitted that he was not inclined to the legal profession. William ने क्या किया है, लीगल मतलब लॉ के बारे में बहुत सारे स्टडीज किए हैं, उन्होंने लॉ पढ़ा है, बट लेकिन वो चाहते नहीं है कि लॉ को अपना करियर ऑप्शन बनाए. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक लॉ एज हिज करियर ऑप्शन, बट उन्हें क्या था, नॉलेज लेना था, उन्होंने पढ़ाई किया था उस बारे में, लेकिन वो उस पर एज अ जॉब नहीं करना चाहते थे. ही रोट, हैप्पी इज द वन हु नोज जस्ट एज मच एज द लॉ टू मेक हिमसेल्फ एज अ लिटिल मेरी नाउ एंड देन With the solemnity of the juridical proceedings. तो वो कहते हैं कि जिसे भी लॉ के बारे में, कानून के बारे में जब थोड़ा भी जानकारी है तो वो बहुत ही खुशनसीब पर्सन है, बिकॉज उसे पता होता है कि कैसे चीजें क्या करना है, कब करना है, कौन सी चीजें करने पे कैसे प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, ये सारे चीज कानून क्या लग सकते हैं, ये सब उन्हें नॉलेज रहता है. सो दे आर द हैप्पी वंस जिन्हें नॉलेज है. नोज वर्सेस आइज इज अ सटायर ऑन द जुडिशरी सिस्टम. सटायर का मीनिंग है किसी को क्रिटिसाइज करना उनके स्टुपिडिटी पे या उनके वाइस सेइंग्स पे इन अ ह्यूमरस वे, उनको कुछ हंसी मजाक के थ्रू उनको क्रिटिसाइज करना. द नोज वर्सेस आइज भी यहाँ पे बहुत ही ह्यूमरस वाला एक पोएम है. इट ऑल्सो मॉक्स एट द स्टोन ब्लाइंड जस्टिस इन अ ह्यूमरस मैनर एम्फेसाइजिंग अपॉन द लैक ऑफ एम्पैथी एंड कॉमन सेंस. और यहाँ पे भी ये लोग क्या बता रहे हैं कि लैक ऑफ कॉमन सेंस एंड एम्पैथी. एम्पैथी मतलब किसी के दर्द को अपना दर्द समझना, That is called as empathy. तो ये दोनों की चीज की कमी दिखाया जा रहा है ये पोएम में. Now let us start with the poem Nose versus Eyes. Between nose and eyes, a strange contest arises. जैसे हमें पता चला नाम से ही पोएम के कि नोज वर्सेज आइज, दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट, एक झगड़ा चालू हो गया है, एक कॉन्टेस्ट चालू हो गया है. The spectacles set them unhappily wrong. और spectacles, चश्मा ने उन्हें गलत साबित किया गया है. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong. तो यहाँ पे जैसे पता है, पूरे दुनिया को पता है कि चश्मा किसको बिलोंग करता है, तो यहाँ पर और कोई गुंजाइश ही नहीं है, सबको पूरे दुनिया को पता है कि ये spectacles किसके लिए बना हुआ है. Dispute का मतलब होता है disagreement या फिर झगड़ा, ठीक है, कुछ क्लैश होना, किसी के बीच में डिसएग्रीमेंट होना, दोनों जन कुछ बात कर रहे हैं और उस पर उनको कोई एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे वो लोग. स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा. सो टंक वॉज द लॉयर. अब जब कोर्ट में आते हैं वो लोग, आपने देखा होगा कि कोर्ट में जब जाते हैं, देयर यू कैन सी अ लॉयर. लॉयर इज अ पर्सन हु विल से फॉर हिज क्लाइंट, राइट, हु विल गिव सपोर्ट टू हिज क्लाइंट इन ऑल द थिंग्स. So the Tunk was a lawyer and argued the case. So Tunk here argued case for whom? For the nose. ठीक है? With great deal of skill, a wig full of learning, while chief baron ear, chief baron यहाँ पे ear को कहा गया है, sat to balance the laws, so famed his for his talent in nicely discerning. तो यहाँ पे Tunk का role क्या है? टंग सबको एक ही होता है, तो टंग यहाँ पे एज अ लॉयर का रोल प्ले कर रहा है और वो आर्ग्यू कर रहा है केस के लिए अपने पूरे स्किल को यूज करके, एकदम अपने जबा टंग अपना पूरा स्किल यूज करके क्या कर रहा है, केस लड़ने की कोशिश कर रहा है.
A wig full of learning. Wig क्या होता है? जो नकली बाल लगाते हैं हम लोग, artificial hair is called as wig. You can see in the olden times, the judges used to wear a wig. एक व्हाइट कलर का काइंड ऑफ हेयर वो लोग अपने सर पे रखते थे, वो उनका एक अटायर होता था. वाइल चीफ बैरन ईयर, बैरन का मतलब क्या होता है? पावरफुल पर्सन. तो एक पावरफुल पर्सन यहाँ पे कौन, किसे बताया गया है? ईयर को. सैट टू बैलेंस द लॉज, सो फेम फॉर इज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग. डिसर्निंग मतलब एक अच्छा जजमेंट दिखाना, शोइंग अ गुड जजमेंट. ऑन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपियर एंड योर लॉर्डशिप, ही सेड, विल अनडाउटेडली फाइंड that the nose has had spectacles always in wear, which amounts to possession time out of mind. तो यहाँ पे lawyer क्या बोल रहा है कि मैं अपने nose की तरफ से, मेरा client जो nose है उसकी तरफ से मैं case लड़ना चाह रहा हूँ, और nose के लिए आप जब देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा time spectacles, चश्मा कहाँ रखा जाता है? nose के ऊपर रखा जाता है. तो जाहिर सी बात है कि ये चश्मा किसके लिए belong करता है? नोज के लिए. तो यहाँ पे केस क्लियर रह करके वो जज को बता रहा है. अमाउंट का मतलब बिकम्स, पोजेशन उसके ऊपर ज्यादा है. देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट. अब जब कोर्ट में कुछ भी केस लड़ने जाते हैं तो वहां पर आप सिर्फ वर्बली या ओरली कुछ नहीं बोल सकते, आपको विथ प्रूफ जाना होता है. कोर्ट में केस लड़ने के लिए विथ प्रूफ आपको जाना होगा. तो यहां पर लॉयर ने एक विथ प्रूफ, ही केम हियर, वो अपना एक चश्मा यहाँ पे उठा के दिखा रहा है. ही इज होल्डिंग द स्पेक्स. योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व दे आर मेड विद अ स्ट्रैडल. स्ट्रैडल का मतलब देखो, यहाँ पे आपको एक स्पेक्स का फोटो दिखाया गया है, जो लॉन्ग सा स्टिक आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैडल, एक्सटेंडेड अक्रॉस बोथ द साइड्स, दोनों साइड में आपको यहाँ पे स्ट्रैडल, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैडल. एज वाइड एज द रिज ऑफ द नोज इज, इन शॉर्ट एज वाइड एज द रिज. रिज का मतलब है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एज, दोनों के कोने, तो दैट इज कॉल्ड एज रिज. तो जितना रिज वाइड है, इन शॉर्ट ये डिजाइन किया गया है किसके लिए? नोज के लिए. नोज के फिटिंग के हिसाब से बनाया गया है स्पेक्टिकल्स को, ऐसा कह रहे हैं. डिजाइन टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल. और जैसे हम हॉर्स के ऊपर वगैरह देखा आपने, ये कोई एनिमल्स के ऊपर राइड करने बैठते हो तो वहां पर उनको उनके हेयर्स आपको ना चुभे, नहीं लगना चाहिए, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक रबर शीट या कुछ तो कैसे सीट जैसे वहां पर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैडल. तो ये जो सैडल है, टू पॉइंट हाई पॉइंट लो पार्ट ऑफ अ रिज बिटवीन टू हाई पॉइंट सिट विद अ रेज्ड एज, तो उसे हम सैडल कहते हैं. तो वो क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट करके बता रहा है नोज के लिए, कि नोज के लिए ही बनाया गया हुआ है स्पेक्स को. अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज टिस अ केस दैट हैज हैपेंड एंड मे बी अगेन. तो यहाँ पे जो टिस वर्ड है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूज किया गया है इस पोएम में. टिस का मतलब होता है इट इज, इसका फुल प्रॉपर इंग्लिश में देखा जाएगा तो इट इज कॉल्ड एज इट इज. तो वो बोल रहे हैं हो सकता है आगे जाके भी इनके ये झगड़े होते रहे. दैट द विसेज ऑफ काउंटेनेंस हैड नॉट अ नोज. अगर फेस पे नाक ही नहीं होता, नोज ही नहीं होता, तो जाहिर सी बात है स्पेक्स क्या होता है, यहाँ पे बैठता ही नहीं. प्रे हो वुड और हु कुड वेयर स्पेक्टिकल्स देन. अगर यहाँ पे नोज नहीं होता फेस पे, तो कैसे फेस पे स्पेक्टिकल्स रखते, ये पॉसिबल ही नहीं होता. On the whole, it appears, and my argument shows, with the reasoning, the court will never condemn. Condemn मतलब never express disapproval. कभी भी disapproval नहीं दिखाएंगे. Condemn का मतलब वो होता है. तो यहाँ पर lawyer बोल रहा है कि मैंने जो अपने arguments रखे, मैंने जो अपने points रखे, वो कभी भी judge जो है disapprove नहीं करेंगे, वो accept करेंगे. You will accept my points. You will accept my arguments, and you will not disapprove me by giving any other judgments. That the spectacles plainly were made for the nose, and the nose was plainly intended for them. और मेरा यही statement था कि nose के लिए बनाया गया था चश्मा, and चश्मे के लिए बनाया गया था nose. Nose is made for spectacles. Spectacles is made for nose. They are made for each other. So the case is solution over here. That is nose के लिए ही बनाया गया है. ऐसा इनका statement है. Then shifting his side as a lawyer knows how. अब नोज की तरफ से उसने अपना क्लाइंट का सपोर्ट करके बोल दिया, उसका केस लड़के खत्म हो गया. नाउ एज अ लॉयर ही इज गोइंग टुवर्ड्स आईज साइड. आईज को अपना क्लाइंट बना के अभी आईज की तरफ से वो अभी केस लड़ने को जा रहा है. तो अभी वो शिफ्ट हो रहा है नोज की तरफ से आईज के पास. ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आईज
तो हमारा टंग क्या होता है, दोनों तरीके से बात, दोनों तरफे से बात करते, एक आईज के साथ साइड से बात कर रहा है और एक नोज के साइड से, तो अवर टंग एज अ लॉयर इट कैन स्पीक ऑन बोथ द साइड्स, ऐसा बताया गया है. He pleaded again on behalf of the eyes, but what were his arguments? Few people know. For the court did not think they were equally wise. और किसी को भी वो arguments ज़्यादा ही attractive नहीं लगा, proper नहीं लगा, उनका जो प्रस्तावना जो भी रखा, उन्होंने जो arguments put up किए, वो बिल्कुल भी उन्हें proper नहीं लगा. So his lordship decreed का मतलब एक official order दिया गया with a grave, solemn tone. सॉलमन टोन का मतलब होता है बहुत ही फॉर्मल टोन में, एकदम ऑफिशियली एकदम फॉर्मल टोन में उन्होंने बोला. डिसाइसिव एंड क्लियर मतलब डिसीजन एकदम क्लियर था उनका. विदाउट वन इफ और बट, ना इफ ना बट, कुछ भी ना हो. दैट व्हेनेवर द नोज पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, आईज शुड बी शट. तो उनका डिसीजन ये था, फाइनल डिसीजन ये था, ये सब सुनने के बाद आईज की तरफ से और नोज की तरफ से लॉयर का जो भी पॉइंट है, ये सब सुनने के बाद उन्होंने एक फाइनल डिसीजन ये दिया कि जब भी स्पेक्स रखेगा नोज पे, तब आईज को क्या होना चाहिए, शट होना चाहिए. तो दिस इज द फाइनल जजमेंट गिवन बाय द जज. सो हियर वी हैव लर्नड इन दिस पोएम दैट वी शुड हैव एम्पथी. यहाँ पे हमने देखा कि दोनों आईज और नोज क्या करें, झगड़ रहे स्पेक्स के लिए. तो एम्पथी दिखाओ, मतलब दूसरों के दर्द को क्या करो, अपना दर्द समझ के यहाँ पे एम्पथी दिखाओ, ये वैल्यू हमने इस पोएम में सीखा है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. थैंक यू एवरीवन.